लाइफ एंजॉय करने का बहुत बेहतरीन मौका है यहाँ पे। 1908 में ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था। वो इंजन है जो कोयलों पे चलता था और ये हुज्जाज आराम के लिए भी यूज हुआ करता था, जो ओला, जोरदान और तुर्किया से ट्रेन आती थी। यहाँ पे भी ऊँट ही ऊँट हैं और ये देख रहे हैं कि ऊँट की राइडिंग हो रही है यहाँ पे, और एक छोटा बच्चा भी सफ़ेद ऊँट का, ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखें जनाब, ये खेमा है, अंदर का व्यू है, अलग से रूम भी दिया गया है और अलग से चीज़ें भी वहाँ पे रखी हुई हैं। ये चिकन है, चावल है और ये गोश्त है और ये चावल हैं, बाकी ये सलाद वगैरह है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं इमरान अली मदीना मुनव्वरा से, और आज हम निकलने थे सफ़र पे। मेरे साथ हैं पीछे काशिफ भाई और अदील भाई। निकलने से पहले ही गाड़ी ख़राब हो गई है और गाड़ी में थोड़ा पानी का मसला हो गया। क्या हुआ काशिफ भाई? थोड़ा सा इसका जो है ना पाइप है वो लीक है पानी, तो मैंने कहा रास्ते में परेशान ना हूँ तो यहाँ पे इंशाल्लाह कुछ कर लेते हैं। तो ये है अली और ये है उमर, आज ये भी हमारे साथ सफ़र में साथ हैं, और बाकी चल के एक्टिविटीज़ आपको दिखाते हैं, अली उमर की भी और हमारी भी। तो आदिल भाई आप रेडी हैं? इंशाल्लाह रेडी हो भाई? हाँ जी। ओके, ये नाश्ता है हमारा, बाकी जो सारा खाना जो है वो काशिफ भाई का अपना होटल है वहाँ पे, ये होटल होगा हमारा। अंडे वाला सैंडविच है, मुर्गी वाला सैंडविच है, अंडा उबला हुआ है, कलेजी है, किबदा वाला है। चले भाई हमें अंडा पराठा दे दें। अच्छा, और इनके बाकी जो है सामूली वाले अंडे वाले जो है सैंडविच बना। अच्छा, दो तो बच्चों के लिए बनाने हैं, बच्चों के लिए। ये जो है हमारा अंडा पराठा यहाँ पे तैयार हो रहा है, कुछ सैंडविच है सामूली वाले, तो ये सैंडविच बन रहे हैं सामूली वाले। ये माल आ गया पराठे का आटा, और ये भाई यहाँ पे पराठा बनाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अंडे और कलेजी जो है वो यहाँ पे बना रहे हैं, कलेजी वाला सलाद। और ये आ गई चाय हमारी दूध वाली। चलते हैं गाड़ी में और गाड़ी में नाश्ता करते हैं। अदील भाई शुरू हो गए। अदील भाई आपने क्या लिया था? अंडा पराठा। अंडा पराठा, और हमारा जो है पराठा और किबदा जो है कलेजी है, और ये हमारा पराठा है। आपने नाश्ता कर लिया भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा हो गया। और बच्चों आपने नाश्ता कर लिया? आप लोग चुप चुप क्यों हैं? ऐसे ही चलिए, जब हम उतरेंगे शायद सफर में तभी चुप चुप है। जो बदुओं की जिंदगी हम कहते हैं, रहन सहन जो था वो ये सामने बिल्कुल माशाल्लाह। खाना बदोश जैसे बदू कहते हैं, सामने तक अंदर पहाड़ तक देखें तो ये मवेशी जो है पालने का तरीका इनका यहाँ पे ऐसे था, और अंदर तक पहाड़ तक वही चीजें नजर आ रही है। घर यहाँ पे कम है लेकिन जो इन्होंने जानवर पाले हुए ना। तो जी व्यूअर्स, हम अभी नीचे उतर चुके हैं, बच्चे भी नीचे आ गए हैं, और यहाँ पे जो माहौल और मौसम है उसकी वजह से रुके हैं, और ख़ास तौर पे जिसकी वजह से रुके हैं, तरफ जो ये बकरियाँ हैं इनको देखने के लिए हम यहाँ पे रुके हैं, और यहाँ का माहौल आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। तो आदिल भाई चले आगे, काशिफ भाई भी है, और दूसरा इन पहाड़ों में आप देखेंगे हम थोड़ा आगे आ चुके हैं, वहाँ पे भी पहाड़ हैं और इस तरह भी पहाड़ हैं, जो इसके बीच में जो रास्ते हैं यहाँ पे भी इन्होंने बाकायदा तौर पे जो जानवरों को जैसे रखा जाता है तो वो अस्तबल टाइप इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। और चलते हैं आगे, ये बकरियाँ देख कर आते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहाड़ों पे काफ़ी ग्रीनरी भी हो चुकी है, काफ़ी यानी जानवरों के लिए खाना वाना जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, और इसीलिए ही जो ये बकरियाँ यहाँ पे चर रही हैं, और काफ़ी सारे जो यहाँ पे जानवर और मवेशियाँ पालते हैं यहाँ पे वो भी इसी एरिया में ज़्यादातर हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीनरी है और घास वगैरह बहुत ज़्यादा है। हम इतना ऊपर नहीं जा सकते, ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी बहुत ऊपर है, तो ये वापस जा रहे हैं उस तरफ और हम भी वापस जा रहे हैं। बाकी आप यहाँ पे ये माहौल देख सकते हैं, और ये पहाड़ पे आप देख सकते हैं ग्रीनरी और इनके चरने के लिए जो चारा भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। दूसरी जगह पे रुके हैं और यहाँ पे माशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। पीछे मेरे आप खेमे देख रहे होंगे, ये खेमे भी रेंट आउट होते हैं, और ये जो है मदीना मुनव्वरा से आप तरीक सलाम से निकलेंगे आगे कम से कम 20 किलोमीटर आगे, तो ये खेमे जो हैं आपको रेंट आउट देते हैं, सारी रात आप यहाँ पर गुजार सकते हैं। और एक मेरे सामने जो है बहुत बेहतरीन झील है, छोटी सी है लेकिन बहुत बेहतरीन झील है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी पानी हुआ करता था, बारिशों का पानी वो यहाँ पर जमा होता है, और आप यहाँ पर इन्वायरमेंट देख सकते हैं, सामने पहाड़ और ये पानी और झील, और मेरे पीछे इस तरफ जो मैंने खेमे आपको बताए थे ये रहे सामने, ये देखें। तो ये खेमे आप रेंट आउट करके ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके पूरा टाइम रात या दिन या जितना भी वक्त आपने गुजारना हो आप गुजार सकते हैं। और ये रही छोटी सी झील यहाँ पे, ऐसे आगे मेरे ख्याल में नहीं जा सकते क्योंकि ये थोड़ा पाँव जो है अंदर धंस जाएंगे। अच्छा लग रहा है पर आगे मत जाना, स्लिप हो जाओगे। ये देखें मैं भी पीछे यहाँ से वापस आया हूँ, आ जाओ यार, इधर से कहाँ से चूहा निकले यार, खुदा का खौफ करो भाई, ये क्या कर रहा है ये बंदा, हर जगह से चूहे निकाल रहे हैं।
हर जगह से चूहे कहाँ से निकाल रहे हो भाई, पानी से चूहा निकलता है क्या? तो जी व्यूअर्स, लाइफ एंजॉय करने का बहुत बेहतरीन मौका है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइफ हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन माहौल है और बहुत बेहतरीन जगह है यहाँ पे। और आगे अभी जाना है, आगे भी चलते हैं और आगे भी देखते हैं। और ये रहे बच्चे, बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखें। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ से गाड़ियाँ भी आपको ये रेंट पर मिल जाएंगी, और ये जो है यहाँ पे खेमा जो रेंट पर देते हैं वहाँ पर ये बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमें चल रहे हैं सामने वाला खेमा दिखाने के लिए, और चल के देखते हैं कि इस खेमा में क्या सेटिंग है और क्या तरतीब है। तो इनका रेंट जो है तकरीबन 200, 300 और 400 है, जितना बेहतर होगा उतना रेंट जो है इनका ऊपर है। तो जी खेमे में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे कुछ अलग सेटिंग है इनकी, वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे चल के खेमे में अंदर देखते हैं कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब है। लाइटों का सिस्टम आप देख रहे हैं, ये ऊपर लाइटें कह रहे हैं रात को बहुत बेहतरीन होती हैं। तो ये देखें जनाब, ये खेमा है, अंदर का व्यू है, बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं। और यहाँ पे जो है आपके जलसा वगैरह भी मिल जाएंगे बैठने के लिए, रात भी गुजार सकते हैं यहाँ पे। और ये सारा सेटिंग जो है यहाँ पे ये बनी हुई है, ये देखें जी बाउंड्री वाल है, इस तरफ वाशरूम वगैरह है। और यहाँ पे जो जलसा है, ये रहे, एक जलसा इस तरफ है, एक जलसा इस तरफ है, अलग से रूम भी दिया गया है और अलग से चीज़ें भी वहाँ पे रखी हुई हैं। और ये ख़ास तौर पे टिपिकल खेमे हैं जो यहाँ पे दूर दराज इलाकों में लगाते हैं, और यहाँ पे ये लगा के रेंट पे देते हैं। तो पूरी बस्ती बसी हुई है खेमों के हिसाब से, और काफ़ी सारा लाइटिंग का सिस्टम भी है। यहाँ एक चीज़ और बता रहे हैं, वाशरूम इस तरफ है तो किचन इस तरफ है ये, तो आप यहाँ पर आके पका भी सकते हैं जो भी आपने कुकिंग वगैरह करनी हो। तो यहाँ पे किचन की भी सहूलत दी हुई है। और ये रहा हमाम, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बना हुआ है। और कह रहा है कि अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो वो होगा 400 का, ये 300 का है। एडवेंचर के लिए आप ये गाड़ियाँ भी ले सकते हैं जो स्कूटर्स हैं, खासतौर पे डेजर्ट में यहाँ पे घुमाने के लिए, 1 घंटा 80 और आधा घंटा 40 रियाल का। तो ये इनका ऑफिस है, ये बंदा यहाँ पे होता है, आप आके यहाँ पे इनसे ले सकते हैं। आगे रास्ते में जाते जा रहे हैं, और आप रास्ते का व्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ जो है मजरे यानी बाग जो खजूरों के हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी ग्रीन एरिया है यहाँ पे, और माशाल्लाह काफ़ी देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा एक और चीज़ बताता चलूँ आपको कि ये जो रोड है ना, जिस रोड पे अभी हम इंटर होंगे, ये जंगे तबूक के लिए आप सल्लम ने जो है ना ये रोड इस्तेमाल की है, ये वाला। हाँ ये रोड माशाल्लाह। तो हम अभी इसी तरफ से जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। ठीक है, तो आप हर तरफ देखेंगे, सामने भी देखें और बागात भी नज़र आ रहे हैं, और जो अल्लाह आपका भला करे जो जानवर वगैरह पाल रहे हैं, ये पूरे एरिया में तकरीबन इसी तरीके से ये बने हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप। और ये रोड और ये माहौल और एनवायरनमेंट भी आप देखें, बहुत बेहतरीन है। अब 2 ही किलोमीटर आगे आए हैं तो आप ये देख सकते हैं डेजर्ट एरिया शुरू हो गया है इस तरफ भी, और यहाँ पे पहाड़ों पे भी आप देखें रेत चढ़ी हुई है। माशाल्लाह अरब की कुदरत है काशिफ भाई। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। 2 किलोमीटर पीछे जो है बहुत ग्रीनरी थी, बागात थे, और यहाँ पर आप देखें डेजर्ट है बिल्कुल। यहाँ पे भी ऊँट ही ऊँट हैं, और ये देख रहे हैं कि ऊँट की राइडिंग हो रही है यहाँ पे, और काफ़ी सारे ऊँट खड़े हैं यहाँ पे, सफ़ेद भी हैं और खाकी ऊँट भी हैं यहाँ पे। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट था वो सफ़ेद ऊँट हुआ करता था। सबसे पहले बच्चे उतर के नीचे आ गए, ये देखें जनाब, ये देखें ऊँट, और यहाँ पे देखें पानी की नहर जो आ रही है, और आगे से देखेंगे वहाँ पे। और मेरे ख्याल में जब बारिशों के मौसम होते होंगे तो यहाँ पे ये पूरा पानी होता होगा, और पानी के लिए ही ये जो जगहें बनाई हुई हैं यहाँ पे। सामने देखें वो सफ़ेद ऊँट है ये रहा। और यहाँ पे काशिफ भाई, ये जो सफ़ेद ऊँट होता है ये महंगा होता है नॉर्मल ऊँट से, मेरे ख्याल में महंगा ऊँट जो है ना वो सफ़ेद कलर का होता है। तो ये देखें जनाब, ये ऊँट जो है हमारे बिल्कुल करीब आ चुके हैं, पर हम बहुत ऊपर हैं और ये थोड़ा नीचे हैं, इस वजह से बचे हुए हैं। और एक छोटा बच्चा भी सफ़ेद ऊँट का ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ऊँट राइडिंग पे आ रहा है, जो ऊँट संभालता है यहाँ पे, शुक्रान हबीबी, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये भाई हैं जो ये ऊँट संभालते हैं, माशाल्लाह अच्छे आदमी थे, इससे हल्की फुल्की बातचीत हुई और सलाम हमने इनका यहाँ से लिया था। बाकी ये ऊँट जो आगे जा रहे हैं उनको वहाँ से वापस ला रहे हैं, तो ये ऊँट फिर वापस जा रहे हैं इस तरफ, जो उधर जा रहे थे उनको वहाँ से वापस ला रहे हैं माशाल्लाह। बाकी आप वादी और ये पूरे पहाड़ और इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं, ये भी रब की कुदरत है। और मेन रोड मेन हाईवे पे है यहाँ पे, आगे हम जाते जा रहे हैं और ये चीज़ें मिलती जा रही हैं। आदिल भाई है हमारे, इनको बोल रहे हैं कि नीचे मत जाना, ये यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि पानी है यहाँ पे, कोई चूहा ना निकल आए कि भाई हर जगह चूहा थोड़ी निकलेगा यार, ऐसा तो मत करो। पानी के साथ साथ देखो पत्थर है, पत्थरों के अंदर मुमकिन है हो सके। पत्थर में चूहा कहाँ से है काशी भाई, आप पत्थर में से चूहा निकाल रहे हैं? ये कहीं से भी निकाल सकते हैं, ऊंट है, चूहे भी नहीं है नीचे। आदिल भाई
ध्यान से बैठना भाई कि चूहा ना निकला यहाँ पे। नहीं इधर गाड़ी में नहीं निकला यार, आप पानी से हो, पत्थरों से चूहे निकाल रहे हो, गाड़ी से क्यों नहीं निकलेगा। जी व्यूअर्स, ये रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, सल्तनत उस्मानिया के दौर में 1908 में ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था। आप ये देख सकते हैं इंजन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये वो इंजन है जो कोयलों पे चलता था, शुरू के दौर के इंजन जो हुआ करते थे। मालदार बोगियाँ भी हैं पीछे, वो खड़ी हैं, और यहाँ पे जो मुसाफिर बोगियाँ हैं वो भी हैं। ये जो रेलवे स्टेशन था, और ये जो आप देख रहे हैं किले टाइप रेलवे स्टेशन के हिसाब से था, और यहाँ पे जो फौजी नकलो हरकत हुआ करती थी या फौजी सामान वगैरह आते थे यहाँ पे आके और यहाँ पे रखे जाते थे, और ये हुज्जाज कराम के लिए भी यूज़ हुआ करता था, जो ओला और जोरदान और तुर्किया से ट्रेन आती थी उसके लिए। 1908 में ये सल्तनत उस्मानिया ने बनवाया था, और कुछ ही देर चल के फिर इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो एक दूसरा वाक़ है, तो फिर बाद में आपको दिखाएंगे। फिलहाल अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी अंदर गिरी पड़ी हैं, और थोड़ा यानी पुराना और टूट फूट का शिकार हो चुका है। ये अंदर का माहौल आप देखें यहाँ पे, और ये जो बोर्ड है यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी सारी तारीख यहाँ पे लिखी हुई है, और इस एरिया का और इस मोहत्ते का जो नाम है, यानी इस स्टेशन का जो नाम है, ये रहा सामने, ये ऊपर लिखा हुआ है नाम मोहताल बवेर, जो बोगियाँ हैं उसका भी थोड़ा मलबा अंदर पड़ा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं सामान बाकी जो है अंदर का दिखाई दे रहा है। अब पीछे की साइड पे जा रहे हैं, और ये पटरियां और ट्रैक देख रहे हैं, एक 1908 में ये बनाई गई थी। ये आप करीब से बोगियां देखें, जो 1908 में इनको बनाया गया था और यहाँ पे लाया गया था, ये तकरीबन लकड़ी की हैं, और मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो है माल वगैरह जो है सामान वगैरह है लाने के लिए उस हिसाब से यूज़ होती थी, जो इसकी कंडीशन और शेप नज़र आ रहा है बाहर से, तो ये तकरीबन वही होगा जो मैंने दूसरी साइड से दिखाया आपको दूर से। अब आप देख सकते हैं करीब से इसको, तो ये जो है भाप और कोयले पे चलने वाला इंजन है, और इसका जो है टायर वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे जंग लग चुका है। इस वक्त तो हालत इसकी बहुत बुरी हो गई है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ऐसे ही खड़ी हुई है। इस वक्त इसको म्यूज़ियम के हिसाब से यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, और ये बाकी सारी चीज़ें बनेगी तो आम लोगों के लिए भी यहाँ पे खोला जाएगा। इस पूरे डब्बे में कोयले रखे हुए होते थे, ये पूरा भरा हुआ होता था, यहाँ से जो है इंजन का ड्राइवर जो है यहाँ से कोयले उठा उठा के यहाँ पे इंजन में यहाँ से जो है डालते जाते थे। फिल्मों में आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में जिस तरीके से करते थे, तो वो पूरा वही सेटअप है। इस पूरे में जो है कोयले भरे हुआ करते थे, यहाँ से उठा के यहाँ से इंजन में डाला करते थे, ताकि भाप से और गर्मी से जो अंदर आग लगती थी कोयलों में, उससे ये बाकी इंजन चला करता था। कुछ हिस्सा आगे है वो भी चल के आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुएं हुआ करते थे, यहाँ से जो पानी है हुज्जाज कराम और जो यहाँ पे फौजी हुआ करते थे या सिक्योरिटी अहलकार हुआ करते थे, उनके लिए यहाँ से पानी निकाला जाता था और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ करता था। तो अब चलते हैं आगे, और आगे का भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो आप ऊपर टैंक देख रहे हैं, ऊपर यहाँ पे पानी स्टोर हुआ करता था, जो ऊपर आप पूरा टावर टाइप आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टैंक है जो आज के दौर का है, ये पुराने दौर के थे। तो यहाँ पे चलते हैं आगे, और यहाँ पे भी दिखाते हैं, यहाँ पे भी आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर पहले पढ़ते हैं फिर आपको बाकी बताते हैं कि ये किस चीज़ के लिए था। तो यहाँ पे जो है मालदार बोगियाँ भी खड़ी हैं, कुछ पुराना इनका मलबा भी पड़ा हुआ है, और यहाँ से पूरा 5 से 6 बोगियाँ बाकी खड़ी हैं अंदर, जो यहाँ पे रखी हैं। फिलहाल चारों तरफ आप देख सकते हैं जालियाँ लगा के इसको बंद किया हुआ है, और इस तरफ को भी बंद किया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है वक्त के हिसाब से चीज़ पुरानी हो जाती है, तो वो टूट फूट का शिकार भी हो जाती है, कुछ चीज़ें गिरने भी लगती हैं। तो लोगों की हिफाजत के लिए फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है, ताकि कोई अंदर ना जाए और कोई हादसा पेश ना हो। इस बोर्ड पे भी वही तहरीर लिखी हुई है जो वहाँ पर लिखा हुआ था, मोहत्ता सिकत अल हदीद अल हिजाज, यानी हिजाज के दौर का, जो यहाँ पे एरिया का नाम हिजाज हुआ करता था पूरे सऊदी अरब का, उस दौर में जो रेलवे स्टेशन बने थे, ये उनका एक जुज है, एक हिस्सा है और एक पॉइंट है। आप देख सकते हैं बोवेर, जैसे हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे नाम लिखा हुआ होता था, यहाँ पे भी आप देखें ये नाम लिखा हुआ है सामने, ये वाला। और यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ और ऊपर जाने का सिस्टम और सब चीज़ें जो हैं, बाकी जो आग वाग जलाने के लिए जो चिमनियाँ होती हैं यहाँ पे ऊपर, वो भी बनी हुई हैं। पानी के स्टोरेज के लिए टैंक्स यूज़ हुआ करते थे, और अब जो है आज के दौर में इस तरीके से हो रहे हैं ये सारे, देखें। तो ये जो रेलवे स्टेशन था, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था इस एरिया में मदीना के करीब। तो मदीना से आते हुए 3 और रेलवे स्टेशन आए थे रास्ते में, अब पहले हमने कवर किया था इसको, अब जब वापस जाएंगे तो आपको वापस जाते हुए वो भी दिखाएंगे। सामने यहाँ पे एक होटल है जो काशिफ भाई का है, इस वक्त जाएंगे वहाँ पे खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद हम वापस जाएंगे और पहले के रेलवे स्टेशन थे वो भी दिखाते हुए जाएंगे। ये भी देखेंगे, ये भी उसी पुराने दौर की सल्तनत उस्मानिया के दौर की चीज़ें बनी हुई हैं, जो अभी थोड़ी टूट फूट की शिकार है। तो जी भी बस इस होटल पे पहुँच चुके हैं, अल मेहरान अल जदीद होटल का नाम है, और ये अल उला रोड पे है। यहाँ पे आप रश देख सकते हैं, काफ़ी सारा रश है, जब हम आए हैं तो और ज़्यादा रश था। तो इस वक्त हम अंदर चलते हैं और अंदर का माहौल आपको दिखाते हैं,
और ये देखें जनाब, ये सामने होटल है, ये इनका किचन है, यहाँ से खाना अब आएगा हमारा। इस तरफ हम बैठे हुए हैं, ये हमारा खाना आ चुका है। काशिफ भाई तैयारी में लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये देखें जनाब, तो भाई आपने क्या क्या मंगाया है? ये गोश्त है, ये चिकन है, ये चिकन है, ये चावल है, और ये गोश्त है, और ये चावल है, बाकी ये सलाद वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं आप, रोटी है। चाय का इंतजाम नहीं होगा? चाय भी है, हम पियेंगे चाय दूध वाले। चले जी बैठे, शुरू करें। आदिल भाई ध्यान से, कहीं से चूहा ना निकल गया है। नहीं कोई मसला नहीं है, बैठे जी। अब देखने में तो सारे टेस्टी और स्पाइसी लग रहे हैं, बाकी खाना खा के बाद में आपको बताते हैं। और आप इधर हो, क्या खाएंगे इसमें से? सबसे पहले मुर्गी। चलें शुरू करें और फिर हम भी शुरू करते हैं। जी आदिल भाई, कैसा लग रहा है खाना? बहुत मजेदार जी। पक्का? अच्छा टेस्ट है। ये जो पूरी तोड़ फोड़ है इस प्लेट वाली ना, वो इन्होंने की हुई है। अच्छा, तो जो हाफ में चूहे के डर से, चूहा ना खा जाए पहले ये खा गए। इनका पेट भी बता रहा है। ये देखे ना, अब अंदर कर दिया, चीज लिया अंदर। बहुत सारी चीजें मंगा ली, हर एक का अपना ही टेस्ट है और अपना ही मजा है। उसके अलावा जो तंदूरी रोटी थी, बाकी जो पठानों के होटल होते हैं या बाकी जो मदीना मुनव्वरा में होटल है, वो थोड़ी मोटी होटी होती है, रोटी होती है अपना फोम टाइप। लेकिन ये वाली रोटी जो है पतली है, खाने में भी मजा दे रही है, और आटे की, और वो मैदे की होती है। ठीक है, तो मुझे ज़्यादातर जो ये भाई हमारे खा गए, मटन कढ़ाई वो पसंद आई, और चिकन कढ़ाई पसंद आई, और कीमा भी बहुत बेहतरीन था। इस वक्त हमारी चाय आ चुकी है, ये देखें चाय जो दूध वाली। आदिल भाई बिल्कुल, कैसा लगा खाना? बहुत ज़बरदस्त खाना भी और चाय भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बड़ा मज़ा किया खाने के साथ भी, और अभी चाय के साथ भी करेंगे। और ख़ास तौर पे ये हमारे पीछे और हमारे हर तरफ आप ये मौसम और ये एरिया आप देख सकते हैं, काफ़ी इंजॉय किया है। व्यू बड़ा ज़बरदस्त है, व्यू बड़ा ज़बरदस्त है, और काफ़ी बेहतरीन माहौल है। चास आ गई मुबशर पुत्र। बार बार हम बोल रहे थे मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, और इस वक्त यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है और बारिश हो रही है, और बारिश के बाद जो यहाँ पे एक बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और एक सामने आपको दिखा दूँ, वहाँ पे इस तरफ बहुत तेज़ बारिश हो रही है सामने, जो आपको भी यहाँ पे नज़र आ रही होगी, पूरा धुंधला हुआ हुआ है, और यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अलोला इस तरफ है और इस तरफ मदीना मुनव्वरा है, और हमने खाना खाया है मताम मेहरान पे, यहाँ पे मताम मेहरान जदीद, ये पेट्रोल पंप है। और पीछे भी आप देख सकते हैं पहाड़ों का मंजर, बाग है, मजरे हैं यहाँ पे, इस तरफ खजूरों के, इस तरफ भी आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे। माहौल और आज का मौसम बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। दूसरा निकलने की कोशिश करेंगे इस वक्त, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो मदीना मुनव्वरा में वापस पहुँचने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो कोशिश यही है यहाँ से निकलें। जो बाकी रास्ते में एक्टिविटी होगी वो आपको दिखाएंगे। हम इस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि रास्ते में आते हुए भी तीन ऐसी जगहें थी जो हमें यहाँ पे रेलवे स्टेशन मिले थे। तो एक जगह ये थी, यहाँ पे कोई इंजन वगैरह या कोई बोगी वगैरह कुछ नहीं था, नहीं है, और बाकी ये रेलवे स्टेशन यहाँ पे बना हुआ है। एक स्टेशन ये, एक स्टेशन वो है, यहाँ पे ऑफिस वगैरह थी, और जो एम्प्लॉय थे जो ट्रेन को कंट्रोल वगैरह करते थे वो ये थे। और यहाँ पे जो आप सामने ये ट्रैक देख रहे हैं आप, यहाँ से ये रेलवे ट्रैक है यहाँ पे। अलोला रोड से अभी तक ये तीसरा रेलवे स्टेशन है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अगले वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।